हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मलास किचन। आज हम बनाएंगे चाइनीज वड़ा पाव। चाइनीज वड़ा पाव के लिए हमने लिया है पत्ता गोभी चॉप किया हुआ, उसको ग्रेट नहीं करना है, सिर्फ चॉप करना है। गाजर ग्रेटेड किया हुआ है, स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते हैं चॉप किए हुए, अदरक हरी मिर्च लहसुन की पेस्ट, सोडा लिया है जो हम पकौड़े के लिए यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, कलर लाल कलर, कॉर्नफ्लावर, मैदा, पानी, तेल, रेड चिली सॉस, नमक। गार्निशिंग के लिए मैंने पाव लिया है बटर, स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते, पत्ता गोभी बारीक चॉप किया हुआ लंबा, और मेयोनीज। पहले हम पत्ता गोभी डालेंगे। आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आपको गोभी ज़्यादा लेना है, पत्ता गोभी और गाजर कम लेना है। अदरक हरी मिर्च लहसुन की पेस्ट है, हरी मिर्च बहुत ही तीखी है तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ, ये थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। रेड चिली सॉस, रेड कलर डालेंगे। कलर ऑप्शन है, आपको चाहिए तो डालिए, क्योंकि सिर्फ कलर आएगा इसमें, टेस्ट में कुछ फर्क न होने वाला नहीं है। इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। हम कॉर्नफ्लावर मैदा डालने वाले हैं तो ज्यादा डाला है मैंने मैदा, थ्री स्पून डाला है, और कॉर्नफ्लावर भी थ्री स्पून डाल रही हूँ। दोनों सेम डालना है माप, और पिंच ऑफ सोडा डालेंगे। अब हम हाथों से उसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हम थोड़ा और मैदा और कॉर्नफ्लावर डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा आटा जैसे बनना चाहिए हमें। फ्रेंड्स, हमें ज्यादा मसलना नहीं है, क्योंकि पानी उसमें से गोभी में से निकलेगा, पत्ता गोभी में से, तो पतला हो जाएगा और वापस हमको आटा डालना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसे हमें पतले रखने हैं। या तो हम बॉल्स भी बना के रख सकते हैं, और डालते समय हम ऐसे ही पतले बना के डाल देंगे। फ्रेंड्स, हम हाथों को थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगाएंगे ऐसा, ये देखिए। अब हम इसमें हाथ में ले लेंगे, तेल गरम हो गया है, थोड़ा पतला ही रखना है हमें। मीडियम गैस पर करना है, फास्ट नहीं रखना है, नहीं तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा।
फ्रेंड्स ये देखो हो गया है, बाहर से क्रिस्पी होगा और अंदर से थोड़ा नरम होगा। इतना फ्राई हमें करना है। मैंने वड़ा फ्राई कर लिया है, ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी भी है और अंदर से देखिए। आप सिर्फ वड़ा भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसके अंदर शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं, जब बैटर बनाते समय ऑप्शन है, आपको चाहिए तो डालिए। बहुत फ्रेंड्स अब हम ब्रेड को गरम कर लेंगे बटर लगा के, इधर ऊपर और ये नीचे के साइड में, अंदर हमें गरम नहीं करना है। स्लाइस ऐसे बटर लगाएंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मैं गैस बंद कर रही हूँ। फ्रेंड्स अब हम गार्निशिंग करेंगे। अब जब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही थी तब मैं शेजवान चटनी लेना भूल गई थी। ये देखिए हमें शेजवान चटनी भी लेना है। अब हम इसमें पहले शेजवान चटनी को लगाएंगे। अब हम वड़ा रखेंगे, चाइनीज वड़ा। पत्ता को भी रखेंगे इसमें। मेयोनीज डालेंगे। अब स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते डालेंगे। फ्रेंड्स हमारा चाइनीज वड़ा पाव रेडी है, ये देखिए। फ्रेंड्स चाइनीज वड़ा पाव रेडी है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको जरूर बनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।